हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने कुछ नए पैटर्न्स और ट्रिक्स सीखी थी जहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें नई नई ट्रिक्स लगेंगी और नए नए पैटर्न्स लगेंगे। तो आज की वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर। और आज की वीडियो हम जो मैंने क्वेश्चंस आपको लास्ट होमवर्क में दिए थे उनसे शुरू करेंगे। थोड़े डिफिकल्ट थे पर नया पैटर्न जानने को मिलेगा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन था 06, 24, 60, 120 और मिसिंग नंबर बताना था जो कि आपको गिवन ऑप्शंस में से दिए रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। करेक्ट आंसर है 210। अब ये आंसर कैसे आ रहा है, कैसे आया? अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है कि ये जो 1 3 है ये 1 का क्यूब है और ये सब क्यूब है, मतलब ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन 6 का क्यूब तक। तो हमने देखा इसमें 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब 8 -2 6, 3 का क्यूब। अब जैसे कि मैंने बोला था स्क्वायर्स और क्यूब्स आना बहुत जरूरी है, याद होना, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकें। तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया गया है जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है, ये क्यूब्स हैं सारे ना कि 13, 23 और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है 6, 6, 18, 90, 6, 30 एंड मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। गिवन ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या था। इसका आंसर है 5, 6, 7, 0। ये कैसा है आप ये देखिए, यहाँ पर 6 × 1 जो नंबर्स गिवन है यहाँ पर सीरीज में, इनको हमने ऑड नंबर्स से मल्टीप्लाई किया। देखिए 1, 3, 5, 7 एंड 9। जब हमने 6:30 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर था वो गिवन आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ये पैटर्न लगा था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है 27, 35, 47, 63, 80 और मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो गिवन ऑप्शंस ये रहे, देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं आप। अपना तरीका, अपना पैटर्न लगा के देखिए एक बार आप आंसर सही निकाल पा रहे हैं नहीं, वरना हम करेक्ट आंसर तो देखेंगे और उसका पैटर्न भी। तो इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 107। 107 कैसे आया, हमने यहाँ पे देखा 27 जो हमारा नंबर यहाँ पे सीरीज में गिवन है उसमें हमने ऐड करा है 2 का क्यूब। अगर आप 2 का क्यूब ना देखें तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। 4 के मल्टीपल जो हैं वो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर जो है गिवन वो ऑप्टेन हो रहे हैं। हम जब 27 को 8 से प्लस करें यानी कि 4 × 2 से, तो हमारा 35 आ रहा है। तो हमने जब नेक्स्ट चेक करा 35 में 4 × 3 यानी कि 12 करके देखा, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सीरीज में उसका पैटर्न जो है 47 वो बन रहा था। तो हमने ऐसे ही पैटर्न को चलाए रखा तो हमारे आंसर सही सही बन रहे थे, और हमने लास्ट में इसका गिवन आंसर जो था 107 वो निकाल दिया। ठीक है, इसमें ये वाला पैटर्न लग रहा था। ये एक नया नया टाइप का पैटर्न है, जो भी हमने क्वेश्चंस करे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे एक सीरीज टाइप की लगी थी पर यहाँ पे हमने देखा कि रैंडमली 4 को 2 से 3 से 5, 4 5 6 से इंटू करके जो उसके नेक्स्ट सीरीज के नंबर है वो ऑप्टेन हो रहे थे, और इस तरीके से हमने आंसर निकाला। नेक्स्ट है 11, 12, 39, 164, 507, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है इसमें। इसमें गिवन ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, टाइम लीजिए, अपना आंसर निकालिए। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1236 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो पैटर्न है ये वाला लग रहा है, यानी कि जो हमारे सीरीज में नंबर दिए गए हैं उनको हम प्लस कर रहे हैं गिवन ऑड नंबर्स के क्यूब से, जैसे कि 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हमें ऑप्टेन हो जा रहा है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 120, 145 गिवन ऑप्शन।
सॉरी गिवन ऑप्शंस में से मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, और 197, 224, 257, तो इसका आंसर भी निकालना ट्राई कीजिए। अभी तक हमने जितने भी अभी जो क्वेश्चंस करें करेंटली उसमें हमने देखा जो हमारे सीरीज के नंबर्स हैं उनमें हम कुछ ना कुछ ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो पैटर्न भी ट्राई करके देखिए, क्या पता उससे आंसर निकले। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसा पैटर्न लगा है। इसका करेक्ट आंसर है 168। तो हमने इस पैटर्न में देखते हैं क्या लगाया है। देख लिया आप जैसे कि इन्होंने क्या करा है, जो इनमें सीरीज के ही नंबर्स लिए गए हैं पर इन्होंने अप्रॉक्स जो नंबर है, जैसे इन्होंने देखा कि 121 11 का स्क्वायर होता है राइट, तो 1 स्क्वायर में से 11 के स्क्वायर में से माइनस 1 करा तो हमें 120 मिला। फिर हमने 12 का देखा, 12 का 144 होता है, इसमें से प्लस 1 किया, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब कि जो 13 का स्क्वायर होगा वो माइनस 1 होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 माइनस 1, 168। इस तरीके से हमने आगे भी कंटिन्यू रखा तो हमारा पैटर्न जो था वही फॉलो हो रहा था। 14 का स्क्वायर का प्लस 1 करा तो 197, 15 के स्क्वायर से हमने 224 आया 1 माइनस किया तो, और 16 के स्क्वायर में प्लस 1 किया तो 256, और ये हमारा पैटर्न बना। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही था, मैंने बोला था कि सीरीज में से जो नंबर्स हैं उन्हीं को पिक करके कुछ ऐड या माइनस या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सीरीज के जो अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कि 121 और 144, 169 एंड ऑल, इन सबको प्लस 1 माइनस 1 करके हमने ऑप्शंस सॉरी नंबर्स ऑब्टेन करे, और करेक्ट आंसर हमारा 168 आया। नेक्स्ट देखते हैं 536, 191, 966, मिसिंग नंबर 24216, और गिवन ऑप्शंस ये रहे। इसको भी ट्राई कीजिए, देखते हैं इसमें कैसा पैटर्न लगेगा। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 4841। इसमें भी क्या करा है, इंटू 5 प्लस 11 किया है। ठीक है, जो सीरीज के नंबर है उनको इंटू 5 प्लस 11 किया, और हमारा जो पैटर्न है वो सही बन रहा था इसमें इस पैटर्न से, तो हमारा जो गिवन आंसर है वो 4841 आ गया। ठीक है, इंटू 5 प्लस 11 किया, ये भी एक नया पैटर्न सीखा आज के क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमने 5 को इंटू किया सीरीज के नंबर से और प्लस 11 किया तो हमारा नया जो टर्म था नेक्स्ट टर्म वो ऑब्टेन हो रहा था। इसी तरीके से हमने पैटर्न चलाया तो हमारा जो मिसिंग नंबर था वो हमें मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं 5000, 1248 और मिसिंग नंबर, इसमें डिक्रीजिंग में चल रहा है पैटर्न, और गिवन ऑप्शंस भी बहुत माइन्यूट नंबर्स दे रखे हैं, तो इसमें क्या पैटर्न लग सकता है सोचिए। इसके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो सीरीज के नंबर्स है उन्हीं को 5 से डिवाइड करें। जब भी क्वेश्चंस में सीरीज में कुछ भी डिक्रीजिंग में चल रहा होगा, या तो वो माइनस में हो रहा होगा या फिर डिवाइड में, दो ही पैटर्न जो है लग सकते हैं जिनकी वजह से हमारा जो सीरीज का आंसर है वो हमें ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 5000 को 5 से डिवाइड करा 1000, फिर 5000 को 5 से 200, फिर 40, फिर 8, फिर जब 8 को 5 से डिवाइड करा तो 1.6, जो कि गिवन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 144, 153, 171, 207, 279, इसमें सीरीज जो है उसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज नहीं हो के, तो इसमें या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसके गिवन ऑप्शंस ये रहे। सॉल्व कीजिए एक बार खुद से, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं 423। देखिए 144 में 9, यहाँ पे 9 की टेबल जो है वो ऐड कर रखी है, 9, 9 2 18, 18 2 36, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 2 से किया तो 18, फिर 18 को 2 से किया तो 36, 36 को 2 से किया तो 72, 72 को 2 से किया तो 144, और इस तरीके से जो हमारा आंसर था वो 423 आ गया। ठीक है, मैंने बोला था जब भी इंक्रीज हो रही होगी तो या तो प्लस हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लस और मल्टीप्लाई में किस तरीके का पैटर्न लग सकता है। नेक्स्ट
Okay, that's all for today. Thank you for watching our video. Do like, share, comment and subscribe our channel Vidya Mahasagar. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए पैटर्न्स के साथ आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे. आप खुद से भी ट्राई करते रहना और खुद भी क्वेश्चंस को नए नए क्वेश्चंस जो हैं खुद से ट्राई करके उनके सॉल्यूशन देखकर समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है. और अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो मैंने डिकोडिंग और कोडिंग में भी बनाई है रीजनिंग पे और नंबर सीरीज पे अभी स्टार्ट किया है पैटर्न, तो आप जाके देख सकते हैं उसे भी और नई चीज़ें सीख सकते हैं. और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आपको मिल जाएंगी नई नई क्वेश्चन नई नई टॉपिक्स पे, जैसे कि जनरल साइंस, मैथ्स और सब्जेक्ट वाइज, तो आप जाके चेक कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू.